लिए नया फोन लिया है दोस्तों, तो उतार दिए और अब पुड़ी उतारने में लगी। और मैं भी बहुत खुश हूँ भैया का बात करके। हेलो दोस्तों, राम राम जी। और आज है तिल चौथ, संकट मोचन चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नितरक पापा को सामान लेने भेजा था, वो आ गए थे। नितरक पापा मार्केट गए थे सामान लेने। नितरक इधर मेहंदी लगा रही है, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी ना, इसलिए ये भी मेहंदी। हाँ तो नितरक पापा मेरे लिए नया फोन ले आए दोस्तों। पुराने मोबाइल का ट्रीटमेंट करा के लाया हूँ दोस्तों, इसके कवर ओवर चढ़ा के लाया हूँ दोस्तों। कवर इतना खराब हो गया था इस फोन का, बिल्कुल गरीब फोन हो रहा था, तो मैं बोल रही थी इसका कवर छंडवा लो। अरे बता दे। और ये देखो, ये सामान लेके आए पूजा के लिए। अरे पहले पकड़ता थे, इसमें फूल वगैरह है। इसमें दोस्तों अभी शाम का समय है, 4 बज गए हैं और आपको खेलों ने बताई दिया होगा कि आज कौन सा दिन है। और खेलों का व्रत भी है और भी सभी माता बहनों का है। और अभी 4 बजे हैं तो खेलों अभी चाय बना के पीने वाली है। इधर चाय बन रही है दोस्तों और तो हम भी चाय पीने वाले हैं और बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं। और आप आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए भाई। इधर चाय बन गई है दोस्तों, बन गई है क्या, अभी तो बना ही रही है खेलों पर। ये चाय पी लीजिए, चाय बन के तैयार है। और इधर देखो खेलों ने भी अपनी स्टार्ट कर दिया चाय पीना। उसके बाद व्रत की भी तैयारी करनी है, क्या क्या करना है पूजा के लिए। 4:30 का टाइम हो चुका है, रात को जाएंगे हम पूजा। तो दोस्तों आज का खाना हम चूल्हे पे ही बनाने वाले हैं, जो भी पकवान बनाएंगे। तो इधर खेलू देखो चूल्हे की पुताई करने में लग रही है, पुताई कर देती हूँ दोस्तों। दोस्तों नितरक पापा बना रहे हैं सब्जी और प्याज लहसुन मिर्ची काट रहे हैं। ये दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूँ खड़ी बनाने की। मैंने सोचा खेलो की चलो मदद कर देते हैं, आज व्रत भी है सुबह की। मैं भी कर रहा हूँ मदद। अच्छा, और इधर मैंने चूल्हा भी जला लिया है और खीर के लिए चावल चंडा दिए। तो मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब इसमें मसाला इसमें घोल लिया है, मिर्ची वगैरह। और इधर मैंने देखो इसमें लहसुन कूट लिया है और इसमें प्याज और मिर्ची काट लिया है। इधर मैंने एक टमाटर काट लिया है और अभी मेरी गैस भी चला दी है। और अब मैं और इधर खेलो वाटर लगाने की तैयारी कर रही है। क्या कर रही है खेलो? थोड़े से पूजा के लिए पुए पुए और पूड़ी और खीर बन रहे हैं दोस्तों पूजा के लिए माता रानी की। और लड्डू वगैरह तो तिल के लड्डू में ले ही आया हूँ वो घर पे। तिल की चौथ है ना, तो तिल तो मैं तिल तो जरूरी है क्योंकि तिलवा चौथ है। तो वैसे तिल तो यहाँ बनाए नहीं हमने, हालांकि तिल तो थे गाँव से ले आए थे, लेकिन मैं लड्डू खरीद के ले आया फिर। तो दोस्तों मेरा तेल भी गर्म हो गया है और लहसुन वगैरह डाल दिया सब। दोस्तों मेरे प्याज वगैरह पर डाल देता हूँ, टमाटर। तो इधर लगा रही है देख लो आप आटा, पूरी तैयारी हो गई है मतलब। हाँ दोस्तों पूरी तरह माल पानी की तैयारी हो गई है। और इधर तो चूल्हे पे तो खेलू ने चावल छड़ा रखे हैं, तो वहाँ पे चावल पक रहा है। बना दे खेलो, इतनी खड़ी का क्या करेंगे। और दोस्तों अब खीर बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और दूध भी अच्छे से उबाल आ रहा है। नितरक पापा को भी बैठ गए यहाँ पे, पूरी भी यहीं पे बनाने वाले हैं, चूल्हे पे ही बनाने। और सब्जी तो नितरक पापा ने बना दी है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। खाली मतलब इन्होंने मेरी हेल्प कर दी, सब्जी बना दी और मैंने आटा लगा लिया पूरी का, और वो जो कुए बनाऊंगी ना उसका भी लगा लिया है। तो यहाँ पे बैठ के मैं खीर बना रही हूँ, तो खीर बन जाएगी ना, उसके बाद तुरंत पूरी बनाऊंगी, फिर पूजा करूंगी। तो अब हमारी खीर पक गई है, तो उसमें हम डालने वाले हैं चीनी और किशमिश भी डालेंगे भाई। तो पहले चीनी डाल देती हूं। तो ये चीनी डाल दिया खेलो ना, इनको किशमिश धो लेती थोड़ी। धोली ना? हाँ। इलायची डाल दे। इलायची मैंने एक डाल दी, एक सुखाई हुई जो और डाल देना, ज्यादा फिर वो ये कड़ी बन गई है देख लीजिए पूरी तरह। अब मुझे सिर्फ इसमें हरा धनिया डालना है जो मैंने इसमें काट के रख रखा है, तो मैं ये डाल देता हूँ बस। ये बंद कर देता हूँ मैं गैस, अब चलते हैं खेलू के पास।
तो इधर देखो खेलू ने पूरा सतुआ लगा दिया और पुड़िया वगैरह भी उतारने लग गई है। देख लीजिए पहले तो उतार रही है खेलू पुए, पूजा के लिए पुए उतार रही है और पुड़ी। या सुन नितारा लड़म देख लीजिए इसमें खेलू ने पुए तो उतार दिए और अब पुड़ी उतारने में लग गई है। कम तेल डाला गया, दो दो ही पुड़ी आ रही है इसमें। तेल हाँ मतलब रिफाइंड जो चूल्हे पे सामान बनाया था वो बना लिया है पूड़ी वगैरह। तो अब खेलू ने इसमें आंच लगा दिया कोर क्योंकि पूजा करेगी अभी। इससे पहले खेलू बर्तन मांज रही है, बर्तन मांजने के बाद पूजा करने वाली है। दोस्तों मैं घी गरम कर रही हूँ पूजा के लिए, फिर पूजा करूंगी। ना दोस्तों मैंने मतलब संकट मोचन गणेश जी बाबा की, तो अब मैं मतलब पूजा कर लेती हूँ दोस्तों चौथ मैया की, गणेश जी बाबा की भी साथ में। तो मतलब मेरे पास एक तो मेरे पास भोलेनाथ गौरमैया गणेश जी बाबा की मूर्ति थी, तो मैंने ये भी रख ली बड़ी, और एक छोटी सी मूर्ति है मेरे पास गणेश जी बाबा की, तो ये भी रख ली। तो मैं एक बर्तन वो बना लेती हूँ चौथ मैया गणेश जी बाबा। हाँ तो दोस्तों मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, और अभी मैंने मतलब कि चौथ मैया गणेश जी बाबा बनाए थे, तो और अभी मतलब कि वो जो अग्नि के लिए पूजा करेंगे ना अग्नि को, तो वो अभी हो रही है, तो मैं उससे पहले पूजा कर लेती हूँ। सबने मिलकर मंदिर में भगवान को प्रणाम किया। जय भाई मैया, ज्यादा तो जाना कौन, अगर कोई भूल विसर हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए भाई मैया, और लाज रात जो भाई पर जाके चांद बाबा दिखा दिए हैं, 9:15 बज गए हैं, तो मैं जा रही हूँ उनकी पूजा करने। अभी आए कर जो उदय। अच्छा आज हमारे बच्चे भी नहीं सो रहे हैं दोस्तों, वो देर से वाट नार रहे थे भाई, 9:15 बज गए हैं, तो हम पूजा कर लेते चांद बाबा की। दूर रहे बेटा तुम्हारे काम थोड़े। चलो खुश रहो। और मुझे प्यार करती रहो। चलो खाना खाओ, चलो अम्मा दे दे वाला सूप के लिए खाना लगा देती हूँ। जा रही हूँ नितरक पापा, बच्चों खा लेंगे। चलो ऐसे नितर बैठ जाओ अपने पास। तो दोस्तों मैं भी खा लेती हूँ खाना, 9:30 का करीब टाइम हो चुका है। दोस्तों आ जाइए आप भी खा लीजिए। अब
गरीब खाना खा रहे हैं तो हम खा लेते हैं भाई, व्रत खोल लेते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट में।